देवास जिले के बामनी खुर्द के बीएसएफ जवान दिनेश गुज्जर नजफगढ़ दिल्ली में पदस्थ थे। कार्य के दौरान करंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही उनका गांव ही नहीं समूचा क्षेत्र गमगीन हो गया। बुधवार देर रात उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से इंदौर तथा वहां से छावनी आर्मी की गाड़ी में बामनी खुर्द लाया गया। पूरा गाँव रात भर जाकर एक अपने सपूत की तरह झलक पाने को आतुर था। गुरुवार सुबह उनके निवास पर सेना के जवानों ने अंतिम सलामी लेकर उनके पार्थिव देह को सेना की गाड़ी में तिरंगे के साथ रखा। फौजी दिनेश गुज्जर को नम आंखों से पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए गए। उनकी अंतिम यात्रा में दूर दूर से हजारों की संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर उन्हें अंतिम विदाई दी। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर सोलंकी, SDM शोभाराम सोलंकी, SDOP निर्भय सिंह अलावा, तहसीलदार अलका एक्का समेत हजारों की संख्या में लोगों ने नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वीर सपूत दिनेश गुज्जर का अंतिम संस्कार नेमावर के नर्मदा तट पर किया गया। यहां पर उनके 9 वर्षीय पुत्र राज ने पिता को मुखाग्नि दी। हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने भारत जिंदाबाद, दिनेश गुज्जर अमर रहे के नारे लगाए। अंतिम संस्कार के पूर्व सलामी दी गई और बंदूक से हवाई फायर किए गए। लोग अंतिम दर्शन के लिए पुल पर, मकानों पर और शमशान घाट के छत पर चढ़कर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उत्सुक नजर आ रहे थे। बामनी खुर्द के नेमावर स्थानों पर पुष्प अर्चना कर लोगों ने सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देशभक्ति भावना आज देखने को मिली, उससे हर किसी की आंखें नम। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।